उन्ना वर्सेस विवियन के बीच में आपको ये कबड्डी मैच का टूर्नामेंट का मुकाबला देखने को मिल रहा है नालागढ़ सोलन हिमाचल में। अच्छे नंबर जर्सी विवियन की ओर से अपनी रेड पे कबड्डी का उन्ना ये और शेख नंबर जर्सी अपने रेड पे शाबाश मारो हल्ला शाबाश ये दे भाई बोनस। सिक्स नंबर जर्सी विवियन की ओर से रेड पे और ये वन पॉइंट की लीड अभी भी उन्ना के हाथों में है। अब देखना होगा क्या कारनामा दिखाते हैं। अगर ये मैच नहीं जीत पाते तो फाइनल से बाहर होना पड़ेगा उन्ना या विवियन। जो भी टीम इस मैच में विन रहती है सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगी। ऑफिशियल टाइम आउट कुछ डिस्कस करते हुए देखना होगा खेल किस साइड उनका पलड़ा भारी रहता है उन्ना के पक्ष में या फिर विवियन के पक्ष में। और एंड उन्ना ने वन पॉइंट की लीड अभी अपने नाम ली है। ये कुछ बताते हुए कुछ डिस्कस करते हुए पता नहीं कि 2 पॉइंट की लीड उन्ना के पक्ष में। राजू
11 आउट एंड विवियन की ओर से 5-3 इन। कांचा फिर से अपने रेड पर, विवियन की ओर से 2 नंबर जर्सी। बल्ले बल्ले चाल पर आकू हेलो हेलो थैंक यू सो मच हेलो बहुत बेहतरीन मैच है, कड़ा मुकाबला है यहाँ पे विवियन और ये होगा की टीम का होना है यहाँ पे। यहाँ पे रेडर को बाहर जाना पड़ेगा और होना यहाँ पे तबतबा बनाते हुए जीत के बहुत देखना होगा कि बीबीएन क्या करने वाला है, क्योंकि अब लीड बरकरार है ऊना के पास और अब रणनीति वही रहेगी समय व्यतीत करने की, क्योंकि ये ऊना की टीम समझ चुकी है समय बहुत कम बचा है। और आप तीस ऊना 27 पे है ये बीबीएन रेड की टीम, 3 पॉइंट की लीड, 2 मिनट का समय बचा है, लास्ट 2 मिनट बाकी है, खाना लास्ट 2 मिनट बाकी, कुछ ना कुछ करना पड़ा है, बल्ले बल्ले ये समझ चुकी है लीड इनके पास है, 2 नंबर खिलाड़ी अपनी रेड पे आए हैं, प्रिंस अपनी रेड पे और यहाँ पे रेडर को बाहर जाना पड़ेगा। मल्टीपल पॉइंट रेड करनी पड़ी बीबीएन रेड को और देखना होगा बीबीएन रेड मल्टीपल पॉइंट रेड करता है या फिर एक से एक मिनट का समय, स्कोर बराबरी पे 30-30 का स्कोर, सभी पीछे हैं, एक के बीच में कोई नहीं आएगा, 30-30 का स्कोर, ऊना पे खतरा मंडराता हुआ, सिर्फ 2 खिलाड़ी कोर्ट में मौजूद, आप वही होगा जो एक प्लेयर ज्यादा है क्योंकि दूसरी तरफ से 2 खिलाड़ी और यहाँ पे बोनस प्लस 1 2 पॉइंट बीबीएन 32 पे ऊना, 31 पे बीबीएन, 1 की लीड ऊना के पास। हेलो हेलो आई जा
आई मारा दो आई जा रहा चल को नहीं फेक कर हमें बोला ना कुछ शायद मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है खिलाड़ियों और कोचों के बीच में दोनों टीमें ध्यान देंगी उनका और बीबीएल देखना होगा क्या की डिस्कस कर रहे हैं फाइव रेट पे मैच जाएगा इन्ना के पक्ष में काफी अच्छी लीड है 1 पॉइंट की लीड बोलते हो समझाते हुए यहाँ पे चुना फिर से डाला जा रहा है लास्ट मोमेंट लेफ्ट अब देखना होगा कि क्या होगा इस मैच में क्या नहीं आखिरी पल में कौन सी टीम सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करती है उन्ना या बीबीएल जो 1 पॉइंट लीड उन्ना के पक्ष में अभी भी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी खिलाड़ी और कोचों के बीच में कुछ समझाते हुए देखना होगा ये क्या कोचिस क्या बोल रहे हैं क्या नहीं कुछ समझाते हुए ग्रुप में अब देखना होगा कि क्या बोल रहे हैं क्या नहीं खिलाड़ियों को भी कुछ कुछ वार्निंग देते हुए और समझाते हुए देखते हैं अब क्या डिसीजन रहता है इस मैच का अजय भाई भी सुनते हुए और अपने खिलाड़ियों को समझाते हुए देखना होगा अब कौन किसके पक्ष में ये पलड़ा भारी रहता है उन्ना या बीबीएल खेल को खेल की भावना से खेलना चाहिए उन्ना के कोच उन्ना की टीम को समझाते और बीबीएन के कोच बीबीएन की टीम को जो कि लड़ाई अच्छी नहीं होती खेल को खेल की भावना से खेले और यहाँ पे अजय ठाकुर बीबीएन की टीम को कुछ टिप्स देते हुए समझाते हुए और दूसरी साइड वहाँ पे सरदार जी उन्ना की टीम को कड़ा मुकाबला ये अब पांच बताते हुए रेड पे चला गया है ड्रॉ हुआ है और ये पांच रेड पे मुकाबला गया है तो आप सभी ये मैच ड्रॉ हुआ है और पांच रेड पे ज्यादा बढ़ने वाला है मुकाबला गया हुआ है मुकाबला गर्म हो चुका है यानी कि खिलाड़ियों के खेलने का गर्म हो चुका है ऑडियंस पिच पे ना आए ये थोड़ा ध्यान दे ऑडियंस कोच टीम का सिर्फ एक ही रहेगा बाकी कोचेज बाहर हो जाएंगे दोनों टीमें ध्यान दें सिर्फ एक कोच रहेगा बाकी जितने भी छह सात कोच हैं पीछे चले जाएं क्योंकि दिक्कत हो जाएगी कि पांच रेड वाला मामला काफी ज्यादा गंभीर रहता है और इस गंभीर मामले में ज्यादा गर्म ना हो थोड़ा सा ठंडे दिमाग से काम लें दोनों टीमें और रणनीति के साथ फाइव रेड पे जो मैच गया है रणनीति के साथ खेले क्योंकि आप सभी इस टीम को पहले फेस कर चुके हैं बहुत सारे मैचेस आपने खेले होंगे पांच रेड पे मैच जाता है तो पांच रेड पे ये मैच चला गया है और देखना होगा पांच रेडों में से जो भी तीन रेड लेगा वो क्वालिफाई कर जाएगा सेमीफाइनल के लिए और एक और जरूरी बात रेफरी डिसीजन फाइनल डिसीजन होगा रेफरी डिसीजन फाइनल डिसीजन नहीं होगा मान्य सिर्फ रेफरी डिसीजन होगा ये जरूर ध्यान दें
और ये लवोटा की धरती पे पहला ऐसा मैच जो फाइव मिनट में गया है, और अभी फाइनल मुकाबले में हम नहीं पहुंचे, लेकिन फाइनल से पहले ये जो मुकाबला है ये फाइनल की तरह खेला जा रहा है, यानी कि बहुत ही जबरदस्त मुकाबला और बहुत बेहतरीन मुकाबला ये फाइव मिनट में गया है। और अब हिदायत दी गई है सभी दोनों टीमों के टीम कोचेस को कि इसे हम एक एक कोच रहे हैं, और क्योंकि इसके बाद तो जितने भी दर्शक दीर्घा में बैठे जितने प्लेयर बैठे एक बार इन प्लेयर्स के जोरदार तालियां होनी चाहिए, क्योंकि दोनों काफी अच्छा प्रदर्शन करते हुए यहाँ पे, चाहे बीपीएल की बात हो चाहे ऊना की बात हो, दोनों टीमें डिफेंस में रेड में शायद फ्री सेकंड में आ गया है और बहुत अच्छा स्पीड अप नंबर को देखते हुए ऊना की टीम स्पीड अप कर लेते हैं, ऊना की तारीफ कर सहमति जताते हुए कितना भी लोग ये ठीक है शुरुआत में। हेलो ग्रुप है, जितने भी समर्थक या दर्शक हैं ग्राउंड से दूर हैं, कोहिनूर वर्सेस सोलन ब्लू, कोहिनूर अकेडमी डबोटा वर्सेस सोलन ब्लू ऑल द ऑफिशियल कोहिनूर चार्जर एंड का मैच आपको देखने को मिलेगा, जो कि प्रॉब्ली क्या स्कोर रहा है दोनों टीमों के बीच में। रेफरी के द्वारा विसल कोहिनूर अकेडमी दबोटा सोलन ब्लू, इस मैच के जो ऑफिशियल होंगे रजेश कुमार पम्मी जी रेफरी, अजय डोगरा अंपायर फर्स्ट अंपायर, पहली रेड ऊना की तरफ से दो नंबर खिलाड़ी अपनी पहली अमित कुमार स्कोरर, ऊना की रेड ऊना की ओर से और ये पॉइंट बटोरा कुमार एसएस स्कोरर, अरुण कुमार थर्ड रेड बॉलर और ऑफिशियल मेरी बात दोनों टीमें सुन ले, अगर पीसी बच जाती है छंबर छ बीबीएन इधर से ग्राउंड खाली करने भाई जो पीछे खड़े हैं टीम के, बीबीएन टीम के जो पीछे हैं नंबर छह पे बीबीएन की ओर से नंबर छह नंबर जर्सी अपनी रेड पे, और ये बीबीएन की तरफ से अकेडमी के कोच और राजेश कुमार पंडित जी फर्स्ट अंपायर, अजय डोगरा किशन गोपाल जी टेक योर चार्ज प्लीज अंपायर, बोनस टू रेडर मिला है नंबर रेडर नंबर एट नंबर जर्सी बीबीआनी की ओर से रेड पे पराज, ये खिलाड़ी देखना का पॉइंट बटोर पा रहे हैं, एक और पॉइंट बीबीआनी के खाते में नंबर 10 नंबर 10 उन्ना की ओर से रेड पे, दोनों का स्कोर बराबरी में, कोच 10 नंबर कोहिनूर अकेडमी दुबट्टा प्लीज राउंड नंबर एक में रिपोर्ट करें टीम लेके, और सोलन ब्लू बोनस प्रयास बोनस टू रेडर बोनस मिला है और यहाँ से वन पॉइंट दो नंबर खिलाड़ी और कांचा नेपाली दो नंबर जर्सी बीबीएन की ओर से अपनी रेड पर, अब नेपाली पॉइंट लाता है या नहीं देखना होगा, और नेपाली ने एक और पॉइंट अर्जित किया टीम को लिए, अभी मुकाबला बहुत टाइट चलता हुआ तो देखना होगा पॉइंट बटोर पाने या नहीं, और एक और पॉइंट
बोनस प्लस वन वन पॉइंट दिया, शायद बोनस के लिए मना कर रहे हैं। फाइनल डिसीजन आई थिंक बोनस भी लिया हुआ है उन्ना की टीम ने। देखना होगा कि बोनस देते हैं रेफरी या नहीं। बोनस अब ये यहाँ पे गड़बड़ हो गई है। नहीं ये रोकिए अपना डिसीजन दो। मांगे रुक दी नहीं यारो, मेरे पास रुक दी राइट, रुक दी नहीं इसमें आईफोन में रुक दी नहीं करने पड़ेगा कांड मार। आप लाइव वन पॉइंट 12 नंबर खिलाड़ी बीबीएन की तरफ से और बीबीएन की ओर से 12 नंबर जब से रेड पे एक और पॉइंट बराबरी का स्कोर। अब ऊना की तरफ से ऊना की ओर से छह नंबर जर्सी रेड पे और अब बीबीएन की तरफ से पांच नंबर जर्सी बीबीएन की ओर से प्लीज। और बीबीएन सोलन ब्लू के कोच अपनी टीम आपको आधा घंटे पहले नाम कर दिया गया था। बाय रेडर। बीबीएन 6 ओना 5 6 और 5 और यहाँ पे बीबीएन की टीम विनर रही है।